तो आज के वीडियो में दोस्तों वीवो Y21T स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट करेंगे, देखेंगे इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है, और आपको वीडियो और जूम टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है, आप सबको दिखाते हैं। तो अब दोस्तों इस फोन का कैमरा का बात करो तो पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेन कैमरा का बात करो तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, इसके अपर्चर f1.8। यहाँ पे सेकंड कैमरा का बात करो तो सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल, इसके अपर्चर f2.4। ये दोस्तों माइक्रो कैमरा है। यहाँ पे थर्ड कैमरा का बात करो तो थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल, इसके अपर्चर f2.4। ये दोस्तों डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। अब फ्रंट कैमरा का बात करो तो फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, इसके अपर्चर f1.8। यहाँ पे जैसे आपको लाइव पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है, आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से कैमरा को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर इससे पहले आपको HDR ऑफ करके नॉर्मल मोड में पिक्चर क्लिक करके दिखेंगे, तो चलिए HDR को ऑफ करता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस करके पिक्चर क्लिक करके तो थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ। यहाँ पर अब पिक्चर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पिक्चर क्लिक हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कार्ड का बात करो तो पिक्चर कार्ड यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों एडिटर ऑफ करके पिक्चर क्लिक किया हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको व्हाइट इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे डिटेलिंग का बात करो, डिटेलिंग भी इस फोटो में ठीक ठाक ही आ रहा है, कलर भी ठीक ठाक फोटो में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इस फोटो को आपको जूम करके दिखाते हैं उसका डिटेलिंग कैसा है। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से आपको बहुत ही अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सब कुछ एकदम क्लीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जाएंगे इस फोटो को डिटेल्स में, तो चलिए इस फोटो को डिटेल्स में क्लिक करता हूँ। तो इस फोटो का साइज का बात को साइज है 3.87 mm यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से आपको HDR से ऑन करके पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए HDR ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए HDR ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे फोकस करता हूँ, अब यहाँ पे पिक्चर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर क्लिक हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। इस पिक्चर कार्ड का बात करो तो यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक ही आ रहा है, यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको व्हाइट इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और कलर भी ठीक ठाक इस फोटो में आ रहा है। तो डिटेलिंग का बात करो, डिटेलिंग भी इस फोटो में ठीक ठाक आ रहा है। तो चलिए इस फोटो को भी आपको जूम करके दिखा दूँ इसका डिटेलिंग कैसा है। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से यहाँ पर भी ठीक ठाक इस फोटो में आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अच्छा डिटेलिंग इस फोटो में देखने को मिल रहा है, देखिए सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ से जूम आउट करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। तो साइज़ यहाँ पे देखिए साइज है 3.86 mm यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से पोर्ट्रेट मोड से आपको पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट मोड पे। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल, यहाँ पे बहुत सारा आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से, और फिल्टर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ फिल्टर्स, तो यहाँ पे देखिए फिल्टर्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो फिल्टर्स को। तो जो है यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा ब्यूटी, ब्यूटी को यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे पोस्चर, यहाँ पे नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए कैंसिल करता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा बुके मोड, यहाँ से देखिए बुके मोड को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नज़दीक ले जाएगा, यहाँ पे पिक्चर क्लिक करता हूँ। चलिए फोकस किया, अब यहाँ पे पिक्चर क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कार्ड का बात करते हैं, पिक्चर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्वालिटी बहुत ही अच्छा क्वालिटी आया है, और कलर भी बहुत ही अच्छा इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है, एकदम क्लीन फोटो यहाँ पे आया है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात करो, पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से काम किया यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फोन का पोर्ट्रेट मोड। आप सबको कैसे लगा आप नीचे कॉमेंट बॉक्स से जरूर बताना। तो चलिए अब इस फोटो को भी आपको जूम करके दिखाते हो इसका डिटेलिंग कैसा है। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से बहुत ही अच्छा इस फोटो में डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा, एकदम क्लीन यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल रहा है। देखिए और पोर्ट्रेट मोड का बात को तो पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए डिटेलिंग बहुत ही अच्छा इस फोटो में डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे साइज का बात करो, साइज़ है यहाँ पे देखिए 3.20 mm यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से आपको 50 मेगापिक्सल से पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए यहाँ पे 50 मेगापिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मोड में आ गया हूँ, यहाँ पे देखिए 50 मेगापिक्सल, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 50 मेगापिक्सल कैमरा ऑन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे फोकस करता हूँ, और यहाँ पे जैसे जूम करोगे तो यहाँ पे जूम नहीं होगा 50 मेगापिक्सल पर। तो चलिए आप फोकस करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फोकस करता हूँ, फोकस किया, पिक्चर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कार्ड का बात करो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिटेलिंग देखिए, डिटेलिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छा इस पिक्चर में आ रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा इस पिक्चर में आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। और कलर इफेक्ट का बात करो तो कलर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कस्टमाइज हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल से कैप्चर हो रहा है।
तो चलिए इस फोटो को भी आपको जूम करके दिखाते हैं इसका डिटेलिंग कैसा है। तो चलिए यहाँ पे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जूम करने से बहुत ही अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले वाला से जूम यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे डिटेलिंग काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 50 MP से पिक्चर क्लिक करके तो बहुत ही अच्छा आपको जूम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और डिटेलिंग भी बहुत ही अच्छा इस फोटो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोटो का साइज पे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिटेल्स में। तो इस फोटो का साइज का बात करो तो साइज है 10.09 MB यहाँ पे ले रहा है, बहुत ही बड़ा साइज यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से फ्रंट कैमरा से पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं फ्रंट कैमरा पिक्चर क्वालिटी कैसे है, आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से कैमरा को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा को ओपन करता हूँ, यहाँ पे फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल मोड में आपको HDR ऑफ करके पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे पहले। तो चलिए यहाँ पे HDR को ऑफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस करके पिक्चर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे फोन को थोड़ा कैमरा से दूर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दूर किया। अब यहाँ पे फोकस करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करूँ तो यहाँ पे ठीक ठाक पिक्चर क्वालिटी आ रहा है, यहाँ पे अच्छा पिक्चर क्वालिटी आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, यहाँ पे एवरेज क्वालिटी का पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे डिटेलिंग का बात करूँ, डिटेलिंग भी इस फोटो में ठीक ठाक ही आ रहा है। 8 MP के अनुसार पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक ही आ रहा है। तो अब इस फोटो को आपको जूम करके दिखाते हो इसका डिटेलिंग कैसा है। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से यहाँ पे डिटेलिंग इस फोटो में ठीक ठाक ही आ रहा है। यहाँ पे एवरेज क्वालिटी का डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कैमरा में देखिए कैमरा में सब कुछ यहाँ पे नजर आया, डिटेलिंग यानी ठीक ठाक ही आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस फोटो का साइज का बहुत का साइज है 1.79 MP यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आपको HDR ऑन करके पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे फोन कैमरा से। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए HDR ऑफ हो भी। तो चलिए HDR में क्लिक करता हूँ, चलिए यहाँ पे HDR ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा दूर ले चलता हूँ, अब यहाँ पे पिक्चर क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करते हैं, यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक ही आ रहा है। यहाँ पे अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है। 8 MP के अनुसार पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कलर का बात करो, कलर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज यहाँ पे हुआ है। देखिए कलर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज हुआ है। और डिटेलिंग का बात करो, डिटेलिंग भी इस फोटो में ठीक ठाक आ रहा है। तो चलिए अब इस फोटो को आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका डिटेलिंग कैसा है। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से आपको इस फोटो में ठीक ठाक डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एवरेज क्वालिटी का डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कैमरा पर देखिए यहाँ पे डिटेलिंग ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोटो का साइज पे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस फोटो का साइज का पता साइज है 1.82 MP यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से पोर्ट्रेट मोड से आपको फ्रंट कैमरा से पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट कैमरा का। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ऊपर में देखिए बोके है, यहाँ पे क्लिक करते चलिए। यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से एपर्चर को कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बोके मोड में कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं रख दिया हूँ कस्टमाइज करके। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस करिए, पिक्चर क्लिक करता हूँ, फोकस किया, यहाँ पे पिक्चर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करते हैं, यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक ही आ रहा है। यहाँ पे अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है। इस कैमरा के अनुसार पिक्चर क्वालिटी अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात करो, पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम किया है फोन कैमरा का। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फोन का पोर्ट्रेट मोड। तो चलिए इस फोटो को भी आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका डिटेलिंग कैसा है। तो चलिए यहाँ पे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जूम करने से बहुत ही अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कैमरा को देखिए यहाँ पे पूरा ब्लर हो चुका है। बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे फोन कैमरा काम किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फोन का पोर्ट्रेट मोड और डिटेलिंग भी ठीक ठाक इस फोटो में आ रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। तो चलिए यहाँ पे डिटेल्स में क्लिक करता हूँ, तो इस फोटो का साइज का बात करो, साइज है देखिए यहाँ पे 900 KB के आसपास यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आउटडोर में और भी पिक्चर कैप्चर करें, वो देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो चलिए आप सबको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फोन का पिक्चर क्वालिटी आप सबको कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब दोस्तों इस फोन को दिखाऊंगा वीडियो क्वालिटी, तो चलिए देखते हैं इस फोन का वीडियो क्वालिटी कैसे आप सबको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों शूट हो रही है 720 पिक्सल से 60 FPS पे। तो यहाँ पे क्वालिटी दिखे, यहाँ पे क्वालिटी का बात करो, क्वालिटी यहाँ पे एवरेज क्वालिटी का वीडियो आ रहा है। तो यहाँ पे दिखे, तो यहाँ पे क्वालिटी ठीक ठाक ही आ रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे एवरेज क्वालिटी का वीडियो आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी माइक नहीं यूज़ करो, साउंड क्वालिटी आप देख लेना साउंड क्वालिटी कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे दिखे क्वालिटी। और ये वीडियो दोस्तों 1080 पिक्सल से 30 FPS पे ये वीडियो शूट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वालिटी दिखे, क्वालिटी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है दिखे। और कलर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी दोस्तों कोई माइक नहीं यूज़ करो, आप साउंड क्वालिटी देख लेना साउंड क्वालिटी कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्वालिटी दिखे, क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक ही मुझे लग रहा है, यहाँ पे क्वालिटी ठीक ठाक ही आ रहा है।
और ये वीडियो दोस्तों फोन कैमरा से 720 पिक्सल से 30 एफपीएस शूट है, तो यहाँ पे क्वालिटी दिखे। यहाँ पे क्वालिटी का बात करो, क्वालिटी ठीक ठाक ही आ रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा। यहाँ पे एवरेज क्वालिटी का वीडियो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे दिखे क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक ही आ रहा है। तो ये वीडियो दोस्तों फोन कैमरा से 1080 पिक्सल से 30 एफपीएस शूट है, यहाँ पे इंडोर शूट हो रहा है, तो यहाँ पे इंडोर में क्वालिटी दिखे, क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो चलिए आपको बाहर में क्वालिटी दिखाऊंगा, बाहर में कैसा आ रहा है। तो चलिए बाहर चलते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए बाहर में आ गया हूँ, तो यहाँ पे बाहर में ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देखने को मिल रहा है, जितना लाइट आ रहा है उतना अच्छा क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और क्वालिटी का बात करो तो क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक ही आ रहा है फ्रंट कैमरे से। और यहाँ पे माइक नहीं यूज़ करो, साउंड क्वालिटी आप देख लेना साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो अब दोस्तों इस फोन का ओवरऑल कैमरा का बात को, तो इस फोन का रियर कैमरा काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा अच्छा पिक्चर कैप्चर कर दिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सबको कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। और फोन कैमरा का बात को, तो फोन कैमरा उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फोन कैमरा यहाँ पे दिया गया, उतना अच्छा पिक्चर कैप्चर यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे रियर कैमरा काफ़ी अच्छा है इस फोन का। तो आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और दोस्तों वीवो Y21T रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। तब तक ले जाएं, वंदे मातरम।